दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी के एक हेडफोन का, जिसका ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा है। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। दोस्तों इसको मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन से ऊपर मैंने इसको इस हेडफोन को यूज़ किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस हेडफोन के साथ में, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, क्या इसके अच्छाई है, क्या इसके बुराई है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एकदम ब्लंट ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हेडफोन, तो इसको मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर का आर दिख रहा होगा और इस साइड देखिए आपको एल दिख रहा होगा। तो ये लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो मैं अभी इसको ऐसे लगा लेता हूँ और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये जो फिट हो गया है। अगर आपका हेड बड़ा छोटा है तो आप इसको ऐसे खींच के स्ट्रेच करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इधर से भी आप ऐसे खींच के देख सकते हैं ये बड़ा हो गया, और फिर वापस इसको आप ऐसे पुश करके इसको जो है छोटा कर सकते हैं। देखिए फिट हो गया ना ऐसे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसके प्रोज की बात करेंगे, फिर इसके कॉन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रोज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके साउंड क्वालिटी की। लिटरली गाइस मैंने इसको यूज़ किया है, इसका साउंड क्वालिटी जो है ना एकदम कमाल का है, अमेजिंग है। क्योंकि मैंने देखो इस हेडफोन के साथ में मैंने म्यूज़िक भी सुना है, गेमिंग भी किया है, मैंने इस हेडफोन के साथ में एडिटिंग भी किया है, वीडियो एडिटिंग भी किया है। तो ये साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी कमाल का है। अगर आप गेमिंग खेलते हैं, मान जैसे कि पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, ये मैंने खेला है, आप बंदे को इजीली स्पॉट कर सकते हैं कि बंदा आपके लेफ्ट में है कि राइट में है। मतलब इतना क्लियरिटी साउंड है, आपको इतना अच्छा आपको साउंड मिलेगा। और बेस की अगर बात करें तो बेस का काफ़ी कमाल का है। अभी मैं आपको इसमें साउंड तो नहीं सुना सकता, क्योंकि अगर सुनाऊंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से लगा के इसको फील ना करो। तो वेल दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके वायर की। तो वायर भी आप देखो कितना लंबा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ट्रैवल करते हैं कहीं पे, आप अपने फ़ोन में, अगर आपने मोबाइल फ़ोन रखा है और आप ऐसे करके मोबाइल फ़ोन का अपने अब जेब के अंदर रखे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अगर आप सो रहे हो घर में लेटे हो और म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आप आराम से फ़ोन को कहीं साइड में रख के भी आप आराम से सुन सकते हो, क्योंकि वायर काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसे कुशन की, तो कुशन भी काफ़ी सॉफ्ट है। और कुशन जब आप फिट ऐसे लगाते हो तो ये कुशन जो है आपके कानों पर चिपक जाता है और अच्छे से जो है फिट हो जाता है। देखो बिल्कुल भी हिलता नहीं, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, ये कुशन बहुत अच्छे से जो है, अब कुशन आपको एकदम हैवी फील नहीं होता है, ठीक है, बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथ है। दोस्तों अगर हम इसका बात करें दोस्तों, अगर हम इसके माइक की, तो लिटरली गाइस इसका माइक भी जो है काफ़ी अमेजिंग है। इसके माइक में एकदम नॉइस कैंसिलेशन है। अभी जब आप इसके कॉलिंग पर बात करोगे तो सामने वालों को एकदम HD क्वालिटी में साउंड जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छा इसका साउंड है। मैंने इसको यूज़ किया है तभी मैं आपको जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस की, तो ऑलमोस्ट ये सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। मैंने इसको किस में यूज़ किया मैं बताता हूँ। मैंने इसको मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया है, लैपटॉप में यूज़ किया है, ठीक है। और वैसे ये सभी डिवाइस के लिए कॉम्पैटिबल है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, PC, ठीक है, MP3 प्लेयर, आप किसी में भी चाहो तो उसके लिए सपोर्टेबल है और ये सभी डिवाइस में जो है ये सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो दोस्तों मुझे क्या इसका अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले दोस्तों कि जब आप न्यू लोगे ना, जब आप इसको न्यू खरीदोगे, तो आपको ये कान में इधर जो है ना, आप इसको लगाओगे तो यहाँ पे आपको पेन होगा। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ न्यू में काफ़ी टाइट होता है, अब स्टार्टिंग में काफ़ी टाइट है, ठीक है। जब आप इसको लगाओगे तो ये जो है आपको कान का जो पोर्शन है ये दब जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप आधा घंटा एक घंटा जब म्यूज़िक प्ले करते हो, म्यूज़िक सुनते हो कंटिन्यूसली, तब आपको थोड़ा सा हैवी फील होता है और यहाँ पर थोड़ा पेन होने लगता है। लेकिन इतने दिन मैंने यूज़ किया, 10 दिन 15 दिन, ठीक है, अभी वैसा फील नहीं होता है। होता है थोड़ा थोड़ा जितना स्टार्टिंग में फील होता था, अभी उतना फील नहीं होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें इसका, तो दोस्तों इसका एक और चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, लिटरली ये बहुत बुरा है। क्या मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसे रखते हो, ठीक है, ऐसे रखे हो, यहाँ पर आपको बहुत हैवी फील होगा। क्यों? देखो मैं ऐसे जब हेड को जब टर्न करूँगा, आप जब हेड को अपने दाएँ बाएँ कीजिएगा, जब ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट, तो ये जो यहाँ पे अटकेगा ऐसा, ठीक है, लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है गर्दन में। देखो देख रहे हो ना, देख रहे हो,
ऐसा थोड़ा सा फील होता है। एक सोनी का हेडफोन आता है जो ऐसे चेस्ट पे ऐसे फ्लैट हो जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। अभी इसको अगर फोल्ड करोगे तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है, तो कहाँ लेके जाओगे, जगह तो है नहीं। तो ये एक चीज़ मुझे इसका बहुत बुरा लगा। और तीसरा अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूँ तो इसके टेक्स्चर की, सोनी में जो आप ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पर टेक्स्चर होता है ना जो इसका खुद का जो एकदम शाइनिंग होता है, ये ब्लैक वेरिएंट में बहुत अच्छे से मुझे दिखता नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे तरह से यह दिख नहीं रहा है जितना अच्छे से शो होता है ब्लू वेरिएंट में, या फिर रेड वेरिएंट में उतना ब्लैक वेरिएंट में बहुत अच्छे से शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन की, तो हेडफोन ठीक है। अब अगर आप किसी चीज़ को लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो कंप्रोमाइज़ चलता है, जैसे कि मान लो एक दो चीज़ को तो इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये अब देखो मेरा काम था दोस्तों आप लोगों को एकदम जेन्युइन ओपिनियन देना, जो मैंने आप लोगों को ब्लंट ओपिनियन एकदम अपना शेयर कर दिया कि मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है इस हेडफोन का। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि ये हेडफोन आपको कैसा लगता है, आप बताना जरूर मुझे कमेंट्स में। और अगर आप इस हेडफोन को खुद से चेकआउट करना चाहते हो, इसका डिटेल्स पढ़ना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस हेडफोन के साथ में मैंने एक्सपीरियंस किया था, जो भी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रखा था, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये हेडफोन कैसा है तो सोचा मैंने कि चलो इसका जो है एक रिव्यू वीडियो भी डाल दिया जाए, जिसमें आप लोगों को साथ शेयर किया जाए कि ये हेडफोन जो है कैसा है, मुझे मेरे हिसाब से कैसा है। तो जो भी मुझे लगा मैंने वो आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।